Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will learn about Thomas Carlyle, his life and about his works. तो उनका जो लाइफ स्पेन था वो 1795 से 1881 तक था. तो उनका बर्थ हुआ था 4 दिसंबर 1795 को और डेथ हुई थी उनकी 5 फेब 1881 को. एंड ही वॉज स्कॉटिश फिलोसोफर, सेटायरिकल राइटर, एसेस्ट, ट्रांसलेटर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन एंड टीचर. मेनली ही बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड एंड ही कॉइंड अ टर्म द डिसमल साइंस फॉर इकोनॉमिक्स. सो अ क्वेश्चन कैन बी आस्क फ्रॉम यू, हु कॉइंड अ टर्म और इन्वेंटेड अ टर्म द डिसमल साइंस. सो द आंसर इज थॉमस कार्लाइल. He lost his faith in Christianity, which basis for Satis Resartus or the Tailor Retailer, his most famous work. And he was a famous commentator of modern and social culture of time. He witnessed industrial revolution, but he wanted to stick to non-material world. So he was a person who born in industrial revolution era, but he wanted to stick to non-material world. He gave a theory on the great man और उन्होंने बहुत सारे articles लिखे थे जो कि Edinburgh Encyclopedia में publish हुए. And his name known as Carlyle Circle in mathematics, a method used in quadratic equation. As Thomas Carlyle was a mathematician, तो उन्होंने एक method बनाया था mathematics में जो कि quadratic equation में use होता है और इसको उन्होंने name दिया था Carlyle Circle. And he is also expert in German literature in series of essay phrases magazine and translate German work Gothic novel. He also wrote Life of Schiller and Schiller was a German poet. Now let's discuss about his famous works. First, Sign of the Times, Sartor Resartus, The French Revolution, Chartism, On Heroes, Hero Worship and Heroic in History, Past and Present, Oliver Cromwell's Letter and Speeches, Latter Day Pamphlets, Occasional Discourse on the Negro Question, The Life of the John Sterling, History of Frederick II of Persia, Shooting Niagara, The Early King of Norway, Reminiscence of My Irish Journey, It is an autobiography, Lectures on the History of Literature, Worship of Science and Sorrow. Now let's learn about his famous works in brief. First, Sign of the Time, that is published in 1829, and this essay was published in Edinburgh Review and examine a 19th century mechanical age that fundamentally altered the role of man in his modern history. तो ये जो साइन ऑफ द टाइम्स, ये एक बुक है एसेज की और इसको एडिनबर्ग रिव्यू में पब्लिश किया गया था और इसमें 19th सेंचुरी की मैकेनिकल एज को एग्जामिन किया गया था कि किस तरह से ये एक मैन के रोल को चेंज करती है मॉडर्न सोसाइटी में. नेक्स्ट वर्क है उनका सार्टर रिसार्टस, जो कि 1836 में पब्लिश हुआ और इसका अनदर नेम है टेलर रिटेलर एंड इट पब्लिश इन फ्रेजर्स मैगजीन इन 1833 to 1834 एंड इट बेस्ड ऑन जर्मन फिलोसोफर कॉल्ड डायोगनेसिस टू फाल्सड्रॉग. इट मीन्स गॉड बॉर्न डेविल डंग. तो ये जो वर्क है थॉमस कार्लाइल का, ये मेनली एक नॉवल है. पहले तो इसको लंदन पब्लिशर ने पब्लिश करने से मना कर दिया था, पर बाद में जो फ्रेजर मैगजीन आई थी तो उसमें ये पब्लिश हुआ था इंस्टॉलमेंट्स में, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस तरह से पब्लिश हुआ था ये 1833 to 1834. तो ये बेस्ड है एक जर्मन फिलोसोफर जो कि मेन प्रोटेगोनिस्ट है इसमें डायोगनेसिस टू फाल्सड्रॉग की लाइफ के ऊपर, जिसके नेम का मीनिंग है गॉड बॉर्न डेविल डंग और इसका जॉनर है ये एक कॉमिक बुक है. एंड इट बेस्ड ऑन एसे जॉनर बोथ फैक्ट एंड फिक्शन एंड ये एक स्टाइरिकल वर्क है जो कि
क्लोज की फिलॉसफी के ऊपर है। 19th सेंचुरी में जो विक्टोरियन सोसाइटी थी उनको इसमें इमोशनलेस बताया गया है कि उनमें ना तो कोई इमोशंस है, ना ह्यूमैनिटी है और ना ही उनका गॉड के ऊपर कोई फेथ है। और इसमें जो नेचर है उसको लिविंग गारमेंट ऑफ गॉड बताया गया है और जो बॉडी है वो सोल के लिए क्लोथ्स या गारमेंट है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स को सिंबलाइज किया है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से। और इन्होंने इनकी एक थॉट है द एवरलास्टिंग नो एंड या, तो ये इन्होंने इस नॉवल में बताया है जो इनका अनबिलीफ है गॉड के ऊपर वो जो इनकी स्पिरिट है उसके बारे में इसमें आइडिया दिया है विच इज़ फॉर एवर डिनाइंग द रियलिटी ऑफ द डिवाइन इन द थॉट ऑफ द राइटर। तो ये नॉवल उनका कमेंट्री है जर्मन फिलोसोफर के थॉट्स और उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। नेक्स्ट वर्क है उनका द फ्रेंच रेवोल्यूशन और हिस्ट्री जो कि 1837 में पब्लिश हुआ और ये उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क था जो कि 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। एंड इट वॉज़ द इंस्पिरेशन फॉर चार्ल्स डिकन्स नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो कि 1834 में पब्लिश हुआ एंड रिमेन पॉपुलर टूडे एंड इट शो द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड हाइट ऑफ टेरर। तो ये जो वर्क था उनका ये उन्होंने चार्ल्स डिकन के नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ से इंस्पायर्ड होकर लिखा था। नेक्स्ट वर्क है उनका ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री और ये पब्लिश करवाया था जेम्स फ्रेजर ने लंदन में 1841 में और ये 6 लेक्चर्स की कलेक्शन है विच इज़ गिवन इन मे 1840 अबाउट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर्स। तो जितनी भी हिस्टोरिकल फिगर्स रही हैं जो हीरोज रहे हैं उनकी लीडरशिप के बारे में इसमें बताया गया है। इट लेज आउट हिज बिलीफ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ हीरोइक लीडरशिप। नेक्स्ट वर्क है उनका हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक टू ऑफ पर्शिया और फ्रेडरिक द ग्रेट। तो ये फ्रेडरिक द ग्रेट इसका सब टाइटल है एंड इट वॉज़ अ बायोग्राफी ऑफ फ्रेडरिक टू ऑफ पर्शिया हु रूल्ड इन जर्मन लैंड पर्शिया 1740 to 1786। तो ये जो फ्रेडरिक टू है पर्शिया का किंग था जो जिसने रूल किया था पर्शिया पे उसकी लाइफ की बायोग्राफी है इसमें और वो लास्ट मोनार्क हुआ था पर्शिया का। इसको 1858 में पब्लिश करवाया गया था। नेक्स्ट वर्क है उनका लेटर डे पैम्फलेट जो कि 1850 में पब्लिश हुआ और ये पैम्फलेट्स की सीरीज़ है एंड इट इज़ अबाउट पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस इनजस्टिस। नेक्स्ट वर्क है उनका द लाइफ ऑफ जॉन स्टर्लिंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1851 एंड इट वॉज अ बायोग्राफी ऑफ जॉन स्टर्लिंग हु वॉज स्कॉटिश ऑथर एंड फ्रेंड ऑफ कार्लाइल। तो जो जॉन स्टर्लिंग था वो एक स्कॉटिश ऑथर था और कार्लाइल का फ्रेंड था जिसकी बायोग्राफी को उन्होंने इसमें लिखा है एंड ही वॉज कोलीग्स एंड फ्रेंड बट अचीव लेस सक्सेस। तो जो जॉन स्टर्लिंग था वो एक स्कॉटिश ऑथर था और कार्लाइल का कोलीग था और उसका फ्रेंड था पर इसको इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थॉमस कार्लाइल his life and about his works. So if you like my video, please subscribe my channel. Thanks for watching. Have a great day.